Dear students, welcome to this YouTube channel and once again welcome to this English class. So in today's class we will learn the use of has to, have to, had to and will have to. So अपने रूटीन लाइफ में बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें अपने को हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू यूज करना पड़ता है. इनका टेंस से कोई रिलेशन नहीं है. सो ये कैसे यूज करते हैं वो अपने ये जो सेंटेंसेस हैं इनके थ्रू लर्न करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हैं वो आपको पर्सनली मिल जाएंगे. So now the use of has to, have to, had to and will have to. Urgency, ये जो has to, have to, had to and will have to है ये urgency के लिए use में लेते हैं. Force और compulsion of doing. Okay, जैसे कोई चीज अपने को करनी पड़ेगी उस situation में अपने has to, have to, had to and will have to use में लेते हैं. Okay, अब अपने को कोई चीज हैज टू एंड हैव टू ये अगर प्रेजेंट में कोई चीज अपने को करनी पड़ती है उसके लिए हैज टू और हैव टू यूज मिलेंगे. ओके, टू इन्फिनिटिव है, जस्ट इसके बाद में वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे हैज टू एंड प्लूरल सब्जेक्ट होने पे हैव टू. हैड टू, पास्ट में यदि तुम्हें कुछ करना पड़ा था अर्जेंसी में, फोर्स या कंपल्सन मजबूरी में तुमको करना पड़ता है तो हैड टू, उसके लिए हैड टू. पास्ट में कोई चीज तुम लोगों ने की हो. एंड इन फ्यूचर रेफरेंस वी विल यूज विल हैव. ओके, हैड टू एंड विल हैव टू ये बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आ जाएंगे. सो नाउ फर्स्ट सेंटेंस, He has to complete this project today. देखो उसका उसको ये प्रोजेक्ट आज पूरा करना है. He has to complete, करना पड़ता, आज ही करना पड़ेगा या पड़ता है. He has to complete this project today. उसे आज ही complete, just अभी complete करना है. He has to complete this project today. I have to go to Sri Ganganagar. आई हैव टू, जैसे अपने कहें कि मुझे वहां जाना पड़ता है. आई हैव टू, अब आई हियर रेफर्स टू, आई के साथ में इन टेंसेस वी हैव रेड दैट हमेशा प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो काउंट होते हुए इसके ऊपर आएगी. तो आई हैव टू गो टू श्री गंगानगर, वी हैव टू गो, है ना, ही हैज टू गो, है ना, दे हैव टू गो. नेक्स्ट, He had to sell his car. उसे अपनी कार बेचनी पड़ी थी अर्जेंसी में, फोर्स मजबूरी में, कंपल्सन किसी दबाव में. He had to sell his car. Next, you will have to come in this city. जैसे अपने कहेंगे कुछ रेफरेंस के लिए किसी को कि तुम्हें इस सिटी में आना ही पड़ेगा, पड़ेगा कन्फर्म, ठीक है. You will have to कम इन दिस सिटी, जैसे अपने कहेंगे आई विल हैव टू अटेंड दैट मीटिंग, आई विल हैव टू अटेंड दैट प्रोग्राम, है ना, आई विल हैव टू गो देयर. सो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब अपने को कोई मजबूरी हो या फिर अपने को करना पड़े, बाध्यता अपनी कोई अर्जेंसी हो. ओके, नेक्स्ट, दे हैव टू मेंटेन देयर बैलेंस. They have to maintain. उनको अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. ओके, दे हैव टू मेंटेन देयर बैलेंस. नेक्स्ट, वी हैव टू ईट फॉर लिविंग. जीने के लिए खाना पड़ता है. वी हैव टू ईट, खाना पड़ता है, ठीक है, कंपल्सन है. ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट्स सक्सेस. हैड टू यानी पास्ट की कोई बात होगी तो उसे वर्क हार्ड करना पड़ा था, हार्ड वर्क करना पड़ा था
फॉर इज सक्सेस, अपनी सफलता के लिए, है ना। सपोज करो कि अपने किसी के लिए है कि उस इंसान ने वो कंपटीशन फाइट किया था या पास हुआ था, तो ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर हिज सक्सेस। नेक्स्ट, सी विल हैव टू अटेंड दिस मीटिंग, सी विल हैव टू अटेंड दिस मीटिंग, ये मीटिंग उसे अटेंड करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, यू हैड टू यानी पास्ट अपियर इन द कोर्ट एट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें कोर्ट में अपियर होना पड़ा था। यू हैड टू अपियर इन द कोर्ट एट पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट, आई हैव टू यूज मोबाइल, मुझे मोबाइल यूज करना पड़ता है। आई हैव टू यूज, मुझे यूज करना पड़ता है मोबाइल, मीन्स अपनी कोई इच्छा ना हो फिर भी जो काम अपने को करना पड़े। दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस मैटर, इस मैटर के लिए उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी, इन फ्यूचर में करनी ही पड़ेगी। दे विल हैव टू पे, दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस मैटर। नेक्स्ट, सी हैज टू गो कोचिंग फॉर हर कम्पिटिटिव एग्जाम, उसे अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग जाना पड़ता है। सी हैज टू गो, जाना पड़ता है कोचिंग, काफी कोचिंग फॉर हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। नेक्स्ट, ही हैड टू सफर फॉर दैट पर्सन, ही हैड टू सफर होना पड़ा था फॉर दैट पर्सन, उस इंसान के लिए, उस इंसान के लिए उसे सफर पीड़ित होना पड़ा था। He had to suffer for that person. Next, you will have to earn money for your life. अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें धन कमाना पड़ेगा, है ना। कोई टीन एज है या अभी कोई स्टडी कर रहा है तो अपने कहेंगे इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि यू विल हैव टू अर्न मनी फॉर योर लाइफ, फॉर योर सर्वाइवल, वेल फॉर योर लिविंग, ओके। नेक्स्ट, द चीफ हैज टू वर्क ऑल द डे, चीफ को पूरे दिन भर काम करना पड़ता है, हैज टू वर्क प्रेजेंट, ओके। सो द चीफ हैज टू वर्क, करना पड़ता है ऑल द डे। सो जिस चीज पे अपने को कुछ करना पड़ता है, चाहे अपनी इच्छा हो या ना हो, ठीक है, अपने उसके बाउंड है, कंपल्सन है, फोर्स है, अर्जेंसी है, तो उस सिचुएशन में अपने हैज टू, have to, had to and will have to use करते हैं। Has to और have to present में कोई चीज अपने को करनी पड़ती है उसके लिए, और had to जो past में करनी पड़ी थी उसके लिए, और जो future में करनी पड़ेगी उसके लिए अपने will have to, and इसके just बाद में we will use the first form of method, okay? Thank you so much, my dear.